much. श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, इसमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी गुजराल साहब ने एंड में कहा, उससे मैं शुरू करूँगा कि जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, तो उसका एग्जाम्पल तो सीधे सीधे हमारी पार्टी की नेता स्वयं हैं, वो आज हम लोगों के बीच में ना होती अगर ऐसी सिचुएशन ये अगर सत्य ना हो। हमारी पार्टी का ये मानना है कि सिक्योरिटी जिसको जैसी रिक्वायर्ड है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से वो देनी चाहिए। अगर जैसा कि नीरज शेखर जी ने कहा कि 10 की जगह 15, 15 की जगह 30 बढ़ाना हो, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी जिस तरह की थ्रेट है उस तरह की सिक्योरिटी बढ़ा करके सुरक्षित रखने का काम होना चाहिए। ये कोई चूंकि एसपीजी में तो आपने प्रधानमंत्री जी को अब सिर्फ रखा है, 5 साल के लिए रखा है, लेकिन जो इफेक्टेड हो रहे हैं या जो इफेक्टेड हैं तो उनके बारे में किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके और कैसे प्रोटेक्टेड रहें, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उस तरह की सिक्योरिटी देनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा मानना है कि सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन से होती है और इसके हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। हम तो स्वयं भी एक बार इसको एग्जाम्पल के रूप में देख चुके हैं। राजस्थान में अभी हाल में ही कुछ 2 महीने पहले वहाँ जाने का हमको निर्देश हुआ कि वहाँ पर हमारी पार्टी जो है वो वहाँ की जो सरकार है उसको सपोर्ट कर रही थी, 6 MLAs जीत के आए थे। अचानक वो 6 MLAs हमारे पूरी की पूरी पार्टी के वो वहाँ की जो सरकार है उसने अपनी तरफ मिला लिए, तोड़ लिए। कहा गया कि वहाँ जाइए देखिए क्या सिचुएशन। जब हम राजस्थान पहुँचे तो वहाँ पर हमारे जो वहाँ और भी वरिष्ठ नेता लोग थे पार्टी के, वो पहले से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस जगह जहाँ पर ये कार्यक्रम जहाँ आ रहे हैं आप अभी ना आए अगर आपका सिक्योरिटी नहीं। हमने कहा मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो विड्रॉ हो चुकी है। उन्होंने कहा फिर आप यहाँ ना आए क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे वो हटा लिए गए हैं और कुछ प्लानिंग है। और जब ये बात साबित हो गई, क्योंकि उसके बाद मैं वहाँ मुझको जाने नहीं दिया गया, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग वहाँ थे उनके साथ में पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप ये गलत काम जो कर रही है राजस्थान की सरकार, MLA तोड़ने का जो कहावत है कि अगर 6 के 6, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब करते हैं तो आप कहते हैं कि वो रासलीला है, जब कोई और करता है तो आप कहते हैं कैरेक्टर ढीला है, तो ये तो आपकी आदत है, तो उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। जब कोई और करता है तो आपको दर्द होता है, जब कोई और करता है तो आपको दर्द होता है, आपको चुभता है, और जब आप करते हैं कहते हैं ये तो मेरा हक है मैं करना हूँ। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि आप जो सिक्योरिटी थ्रेट हो, जो परसेप्शन हो, उसके हिसाब से सिक्योरिटी दे करके प्रोटेक्शन जरूर दीजिए, इस बात में कहें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।